सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं देने वाला हूँ गाइस टेस्टबुक का ऑल इंडिया जो लाइव मॉक आया है कल, तो देखते हैं इसमें क्या स्कोर रहता है अपना। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग से, जो हमेशा स्टार्ट करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, तो इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, एल मतलब 4L हो गया, फिर आई, फिर पी, फिर ओ, फिर एस, फिर टी। नहीं, ये नहीं होगा। फिर पी ओ एल पी ओ एल फिर एस एस आई, ये भी नहीं होगा। एस देखते हैं, एस आई एल पी ओ ये भी नहीं होगा। पी आई एस टी ओ एल, पिस्टल हुआ। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना चौथा ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पी इज ग्रेटर देन एम, एम इज ग्रेटर देन वी, वी इज स्मॉलर देन यू, और टी स्मॉलर देन यू ग्रेटर देन एल। ठीक, कंक्लूजन देखते हैं इसमें क्या है। एल इज ग्रेटर देन सॉरी एस एल इज स्मॉलर देन एम, तो यहाँ पे एल जो है वो यू से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे एम जो है यू से बड़ा, लेकिन ये पहला तो फॉलो नहीं कर रहा दोस्तों। दूसरा देखते हैं, वी स्मॉलर देन इक्वल टू टी, और टी हाँ ये फॉलो कर रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सम ऑफ देम्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स व्हाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे बैठ जाएगा ई। ठीक है, ओके, बी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। ठीक है, ओके, जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट। ठीक है, यहाँ पे जी बैठ रहा है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ। ठीक है, ए सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ एच, ए सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी, थ्री पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी, तो ठीक है, थ्री पीपल सिट तो ऐसे तो नहीं बनेगा ये, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम जाएगा इसमें। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप छोड़ दिया करो उसको, सेकंड हाफ में किया करो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लग रहा है, 9 81 8 64, 81 64, 81 64 देखते हैं, 4 1 5 8 14 145 हो रही है तो नहीं बनेगा। क्या और क्या रचा, 36 121, ये भी नहीं है, इसका 72 72 हो गया, ये भी नहीं होगा।
11 8 6 2 8 5 13 6 5 11 इसमें क्या हो सकता है? यार अच्छा 66 अच्छा अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं 162 को ये डिवाइड नहीं होगा ठीक है इसको बाद में करते हैं ठीक है काफी टाइम जा रहा है इसमें ठीक है इसमें क्या बोल रहा है ऑपोजिट टू क्यू कौन सा आएगा तो क्यू के ऊपर आया हैशटैग ठीक है आगे आते हैं अनसिबल कंप्लीट द गिवन फिगर ठीक है तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा एंड ये बन जाएगा एंड ये बन जाएगा ठीक है फिर ये ऐसे होगा मतलब ये बनेगा और ऐसे हो जाएगा ठीक है ये बन सकता है ठीक है ये बनेगा ठीक है आगे आते हैं एम्बेडेड कौन सा इसमें है तो ये देखते हैं कहाँ पे बन रहा है ये इधर ये बन रहा है ये बन सकता है हाँ ठीक है ये बन रहा है ये भी नहीं है ये भी नहीं ठीक है ये बनेगा ठीक है फोल्डेड है तो इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ठीक है और ये भी ऊपर आ जाएगा यहाँ से कट लग जाएगा ये बन सकता है उसके बाद ये इधर आ जाएगा कंप्लीट सेम इधर ये हो जाएगा सेम इधर ये हाँ ठीक है ये बन सकता है ना ठीक है ये बाद में करते हैं स्टेटमेंट बोला है व्हेन यू एक्सरसाइज डेली न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द हिप्पोकैम्पस द पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स मेमोरी एंड लर्निंग ठीक है ये बोल रहा है एक्सरसाइज करने से आपका जो सेल्स है उसके अंदर हिप्पोकैम्पस प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि ब्रेन के अंदर रहता है जो कि कंट्रोल करता है मेमोरी और लर्निंग को ठीक है दोज हु हैव अ वीक मेमोरी मस्ट जॉइन अ जिम दोज हु हैव अ वीक मेमोरी मस्ट जॉइन द जिम 200 एक्सरसाइज एवरी डे डू वेल ये तो नहीं है कुछ ये हो सकता है ना पहला वाला ठीक है वर्टिब्रेट्स ऑलवेज ऑकर इन फॉसिल्स एक सेकंड ये देखते हैं एक बार सर मिल रहा 200 वीक मेमोरी मस्ट जॉइन अ जिम इसकी व्हिच कंट्रोल्स मेमोरी या लर्निंग कंट्रोल करता है ये बन सकता है पहला वाला बाकी देखते हैं क्या होता है इसका आंसर लास्ट में Vertebrates always occur in fossils records after the rise of invertebrates. Vertebrates could have evolved from the invertebrates. नहीं, vertebrates वे invertebrates के बाद आता है. Fossils records are not very reliable. इसके बारे में नहीं बोला तो none हो जाएगा. ठीक है. जून 2099 को कौन सा दिन था अगर 5 जून 2022 को संडे था 5 जून संडे था ना इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम है तो ये इसको छोड़ के आगे करते हैं द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू ठीक है ए इज ग्रेटर देन जी जी ऑफ एल यू ए जी जी और ए में रिलेशन नहीं है कहीं पे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे यू एक सेकेंड यू इज ग्रेटर देन यू ठीक है नहीं है तो पहला नहीं होगा दूसरा देखते हैं यू इज ग्रेटर देन आई यू इज ग्रेटर देन ए है यहाँ पे
और यहाँ पे ये भी नहीं, तो इस ग्रेटर देन जी एल वाई यू, यू इज स्मॉलर देन आई, तो यू इज स्मॉलर आई कहाँ पे बन रहा है? ये हो सकता है इसमें फाइव पीपल पी क्यू आर एस एन टी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन हु इज इन द मिडल, ठीक है, क्यू टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्यू है जो वो लेफ्ट है टी के, यहाँ बैठ जाएगा, एस इज बिटवीन पी एंड टी, ठीक है, हु इज इन द मिडल, मिडिल में हो सकता है आर भी बैठ सकता है मिडिल में भाई, ठीक है, तो ये हो सकता है इसका, सिस्टर्स फैमिली सिबलिंग्स, फैमिली के अंदर सिबलिंग्स आएगी, फिर सिस्टर सिबलिंग्स का एक पार्ट होता है, सो ये हो सकता है ना, नहीं ये सिस्टर्स फैमिली के अंदर सिस्टर्स और सिबलिंग्स, हाँ ये बन जाएगा, फिफ्टी फाइव सिक्सटी थ्री नाइन, यहाँ पे डिवाइड कहाँ पे लग रहा है, ये बन सकता है, नहीं ये भी है ना, सो इन दोनों ऑप्शन को हम पहले चेक करते हैं, 55 + 7 - 8 * 3, तो ये आपका आ जाएगा 62 - 24 38, ये बन रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिक्स सेवेंटी फोर 552, 674, 510, 229, 545, 54, पाँच का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36, 36 दूनी 72 प्लस 2 कर दिया है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपका बन रहा है 9 का स्क्वायर 81 गुणा दो 164 हो जाएगा ना फिर तो, ठीक है, आगे आते हैं, ऑड वर्ड गन का किल, ठीक है, गन होता है किल करने के लिए, पेन होता है राइट करने के लिए, टेबल और ये बन जाएगा ऑड, ठीक है, इफ राधा इज सिटिंग टू द साउथ ऑफ कृष्ण एंड राहुल इज सिटिंग, राधा जो है वो बैठती है साउथ ऑफ कृष्ण, तो राधा यहाँ बैठी है, ठीक है, एंड राहुल इज सिटिंग टू द ईस्ट ऑफ कृष्ण, राहुल इज सिटिंग टू द ईस्ट ऑफ कृष्ण, ठीक है, राहुल यहाँ बैठ गया, इन विच डायरेक्शन इज राधा सिटिंग विद रिस्पेक्ट टू राहुल, तो वो साउथ, साउथ वेस्ट बैठी ना, ठीक है, सन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर टू रीच स्कूल, पहले वो 20 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, ठीक है, उसके बाद ही टर्न्स राइट, ठीक है, वो राइट टर्न लेता है 30 किलोमीटर अपने स्कूल के लिए, ही अगेंस्ट टर्न्स राइट, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, 5 चलता है, 15 चलता है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा ना फिर, तो वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, कोड दे रखा है, हाउ इज केयर रिलेटेड टू यू इन द गिवन एक्सप्रेशन, टी जो है वो मदर है के का, ठीक है, मदर है के का, के प्लस वाई मतलब के इज द फादर ऑफ क्यूज ओनली चाइल्ड, के इज द फादर ऑफ वाईज ओनली चाइल्ड, ठीक है भाई, के
इज द फादर ऑफ वाइस ओनली चाइल्ड, के जो है वो फादर है वाइस ओनली चाइल्ड का। ठीक है, वाई इज सन ऑफ यू। ठीक है, तो के जो है यू का पापा है। ठीक है, फादर हो जाएगा ना ये तो, एक मिनट को। शू इज सिस्टर ऑफ ई, के इज द फादर ऑफ क्यूज ओनली चाइल्ड, ऑफ वाइस ओनली चाइल्ड। के इज द फादर ऑफ वाइस ओनली चाइल्ड, ठीक है, तो डॉटर हो जाएगा इसके। नहीं नहीं सॉरी, फादर हो जाएगा ना, समझ नहीं आ रहा मुझे। के यहाँ पे बोला है के रिलेटेड टू यू, के प्लस वाई। वाई इज दिस, अच्छा वाई सन है, इज दिस सन ऑफ यू। ठीक है, वाइस सन है यू के। ठीक है, स्केच लेट टू यू, तो ठीक है, मदर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अवॉइड को लिखा है 8539। 8535, ठीक है, 85395। ठीक है, मल्टी को लिखा है 5679। ठीक है, आई को 9 लिखा है ना, तो इवेंट, EVENT, जो यहाँ पे मेरे मुझे लग रहा है आई को 9 लिखा है, आई को यहाँ पे 9 लिखा है। इवेंट को कैसे लिखे, प्लीज। मल्टी को लिखा 5679। सो यहाँ पे वी का कोड क्या है, हमारे पास वी का कोड है 5, तो 5 से हमारे दो ऑप्शन है, 5 या तो 5 हो जाएगा, और लास्ट में 7, दो ऑप्शन है 5 7 के। अब ई और एन क्या लिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कहाँ गया, एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, चार हो जाएगा ना यहाँ पे तो हाँ ठीक है, ये बनेगा। आ जाते हैं XC27TF26PI25LL24। अच्छा ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी कितने पे आता है, 17 पे आता है। एम 16 पता है पी ना, 16 अब प्लस 9। ठीक है, तो दोनों को ऐड किया ना, सो यहाँ पे एम कितने पे आता है, 13 और 20, नहीं ये तो नहीं बनेगा। जे एम,
एम आता है 13 पे, और ये भी नहीं बनेगा एच ओ, ठीक है, 8 8 15 23 ये बन सकता है, ठीक है, हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या बन रहा है के 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 हो गया, उसके बाद के आर हो जाएगा, के आर टी सी, के आर टी सी ना, के आर टी सी, के आर टी सी, अच्छा के आर टी सी बन रहा है, ठीक है, के आर सी, आर सी हो जाएगा, आर सी टी के, फिर सी बनेगा ना, सी के आर टी सी, ठीक है। ऑड फिगर कौन सा है इसमें, ट्राइंगल के अंदर एक दो काटा है, स्क्वायर में डायगनल कटता है मेरे ख्याल से, नहीं, हाँ, डायगनल कटता है ना स्क्वायर में, सर्कल ट्राइंगल, मेगा सर्कल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑल हॉर्सेस आर बफेलोस, ऑल हॉर्सेस जो है वो बफेलोस है, ऑल बफेलोस आर ग्रास, ठीक है, ऑल हॉर्सेस आर ग्रास, ऑल हॉर्सेस आर ग्रास, देखो सारे हॉर्सेस ग्रास के अंदर आते हैं ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सही है, ऑल ग्रास आर हॉर्सेस, नहीं ये नहीं है, तो ओनली वन फॉलोस, ठीक है। मील इज रिटन एज एम बी एम एफ, ठीक है, बी एम एन एफ, ई ए एल बी एम एन एफ, एफ लिखा है, एल एम एम एन ए बी, अच्छा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो फूड यहाँ पे कैसे लिखा होगा, पी ई जी पी, ठीक है, सो फेयर एफ ए आर ई, तो ये बन जाएगा लास्ट में, ठीक है। आगे आते हैं 1827, दो का एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, यहाँ पे छह का क्यूब होना चाहिए, तो ये रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। रिप्लेसी क्वेश्चन 941, इसका पहले हम यहाँ पे गैप देखते हैं कितने गैप आ रहा है, ठीक है, तो 716 माइनस 941, ये 225 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे 716 माइनस 520 196, तो अब यहाँ पे 13 का गैप आना चाहिए, नहीं स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर 169 ऐड करेंगे तो 689 169, तो 350 बना जाएगा, माइनस करना ना, मैं ऐड कर रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस द पास्ट 3 इयर्स स्टेट एम एस रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द स्टेट एग्रीकल्चर, ये बोल रहा है कि 3 साल पहले, मतलब 3 साल से जो स्टेट एम है वहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ठीक है। इन द लास्ट 5 इयर्स देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द ओवरऑल एवरेज रेनफॉल बाय 6 इन स्टेट एम ब्रिंगिंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर, ठीक है, और 5 साल से जो है, इन द लास्ट 5 इयर्स देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द ओवरऑल, पॉसिबल इफेक्ट नहीं, मुझे लग रहा है बोथ 1 एंड 2 जो है इंडिपेंडेंट
कॉजेस हैं, ठीक है। आगे आते इस पे, मैथ्स पे आते हैं। हाँ ठीक है, तो मैथ्स में क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड पी क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ठीक है, पी क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ठीक है, तो कैसे कुछ फिगर बन जाएगा। आठ का ट्रिपलेट 6 बन जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा ना इसका आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 30% मोर देन द स्पीड ऑफ अ कार, ठीक है, स्पीड ऑफ जो ट्रेन है 30%, यानी कि अगर स्पीड ऑफ कार अगर 10 है, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड जो है 13 है, ओके। बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पी एंड द सेम इज पॉइंट ए सेम पी एंड की 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द वे द ट्रेन स्टॉप्स एट द सेम स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस है 130 किलोमीटर का, ओके, सो 130 टू, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है, छ, ठीक है, 6 आ रहा है। ठीक है, 70 आएगा इसका आंसर। आगे आते हैं, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज, ठीक है, मान लो ये बोलते हैं इफ 10 पर्स इफ देयर बी 10% लेस, मतलब एक्स हो गए एक्स माइनस 10 हो गया, इट वुड हैव टेकन 10 डेज मोर फॉर द कम, ठीक है। x into 90 100, ठीक है, सो dx हंड्रेड आ जाएगा फिर तो इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9:3, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये बाय रूट 3 हो गया,
नॉनी में कैसी? कैसी? नो, 162 आ रहा है। दोबारा देखते हैं एक बार। T4 आ गया ये, और मैं क्या सी? तो यहाँ से 54, 3 ये होता है ना मेल से पेरीमीटर। हाँ 3 होता है, 3 इंटू ये। सो यहाँ से हमारा ए आ गया 54, 3 इंटू 50। ठीक है, 162 आ रहा है आंसर। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 1600 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10 एंड एक्स। द चेयर इज सोल्ड फॉर, ठीक है, तो मार्क प्राइस है 1600, उस पर हमने दिया डिस्काउंट 10% का, यानी कि 90 बेचा, और 100 माइनस एक्स वन में 100, 1368। ठीक है, सो काटते हैं 160 गुना 9, 100 माइनस एक्स उनमें 100, 368, ये से एकदम 2, जो 16 × 5 जो 10, 18 × 100 माइनस साइन एक्स 368, 68 ×, तो ये आपको आ जाएगा 55। तो ये आप जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। पी क्यू एक कॉर्ड है, ठीक है, वो जो है वो सेंटर पे है, सेंटर सेंटर पी ओ क्यू, ये जो एंगल बन रहा है वो ये आपका बन रहा है 130 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये 65 हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, पहले इसका हम लेंगे। सो 5 15 7 13, तो कितने? ठीक है यार, आपका 6 3 8 तो ये आपको 638 आ जाएगा। ठीक है, 365 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1। ठीक है, ये 780 आ जाएगा। ये 525 आ जाएगा। तो लार्जेस्ट हो गया आपका 5 6 by 5 और 5 by 13, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78,
दस तेरह पंचे पंद्रह 25, तो ये आ जाएगा 103/65। ठीक है, ठीक है। राजीव स्कोर 20% मार्क्स में एग्जाम, 20% मार्क्स स्कोर ला करके भी वो फेल हो गया है, 50% ला करके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ला रहा है, तो ये लाया कितना इसमें 45। ठीक है 1.5, थर्टी प्लस, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स है वो 55 है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज थ्राइस द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो थ्राइस है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, यानी कि वन हेमिस्फीयर स्फीयर रेडियस थ्राइस। ठीक है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है स्पीयर का, पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, खत्म हो जाएगा 27:1 आ जाएगा ना। एक सेकंड रुको रुको, कुछ गलती की हमने यहाँ पे स्पीयर, ठीक है सही है। पी इन्वेस्टेड रुपीस 4000 फॉर वन ईयर, क्यू जॉइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 600 अप फ्यू मंथ्स इफ दैट द एंड ऑफ वन ईयर ऑफ द प्रॉफिट, तो क्यू जॉइन हाउ मेनी मंथ्स। ठीक है, सो यहाँ पे पी है और क्यू है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उनका वो है 4000, जिसने लगा एक साल के लिए टाइम, उसके बाद क्यू ने ज्वाइन किया है 6000 रुपये एक्स टाइम के लिए, प्रॉफिट दे रखा है 4:3 का। ठीक है, सो ये खत्म, तो टाइम कितना हो जाएगा प्रॉफिट, तो ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा, इसके लिए 2 है, तो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। इफ यू सेल द सेम टेबल एट अ डिस्काउंट, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट और लॉस फॉर अस, मतलब अगर 100 की चीज है उसने बेची 80 में, तो उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 30% का प्रॉफिट, यानी कि
बीच कितने पर है वो? 24 पे लाया था उसने। ठीक है, कैप कितने का है? 56। सो इफ ही सेल्स द सेम टी बोल 10% डिस्काउंट। अब वो बेच रहा है 90 में। फोर्टी 6.25 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, हैं। कॉर्ड ऑफ लेंथ पी क्यू 40 सेंटीमीटर, इसको लेते हैं पी क्यू ले लेते हैं, 40 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ 15, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम डिस्टेंस ऑफ इतना इतना 20 और 20, तो ये आपका 20 और 25 आ जाएगा। ठीक है, पंद्रह आ जाएगा इसका आंसर, नहीं 30, सॉरी 30, 15 15 30। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू कार्स इतना इतना, द फर्स्ट कार रन्स 204 स्पीड ऑफ सेकेंड, 5x और 7x लेते हैं इसका स्पीड। ठीक है, द फर्स्ट कार 200 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करता है, फुल स्पीड ये 10 10 है तो स्पीड हो जाएगा 70। इफ द एंगल बाय सेक्टर ऑफ पी इन ट्रायंगल की पी की वार, एंगल बाय सेक्टर ऑफ पी, ठीक है, इंटरसेक्स क्यू आर एट एम। ठीक है, इफ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, व्हाट इज वैल्यू पी एम क्यू? ये वाला होता ना, ये निकालने में ये दोनों बराबर है, यानी 90 है तो ये 45 है, 45 हो जाएगा। ठीक है, सो 45 ये भी हो जाएगा 40 45, तो 90 हो जाएगा ना इसका आंसर। cos 3a equals to sin 3a minus 1, ठीक है, तो cos 3a equals to three is an acute angle. Cos 90 minus 3a equals to sin a minus 18. T minus 3a equals to a minus 18. So 90 plus 18 equals to 4a. 27 आ जाएगा इसका। ठीक है, टू रेडियस, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो सर्कल्स ऑफ रेडियस इतना इतना, इसका रेडियस हो गया। ठीक है, इसका रेडियस हो गया
इज द लैम लेंथ ऑफ कॉमन गॉड, ये बोला है लेंथ फाइंड करने के लिए हमें। सो ये रेडियस हो गया दोनों का, ये फाइंड करने बोला है। तो ये 20, ये 20, तो ये हो जाएगा 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। 40 ठीक है, तो ये 20√3 हो जाएगा। डिफरेंस बोला है 2000 का, छत्तीस आ रहा है, ठीक है। प्लस बी प्लस सी दे रखा हमारे पास 6, तो और ए स्क्वायर इतना और इज एल एफ, ठीक है। माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा, ठीक है। ये हमें 40 दे रखा है, बी कितने रखा है, 36 हो जाएगा ये, ठीक है। उसको बाद में करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 cos 62 cos 90, मैंने तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। ABC एंड A प्लस B प्लस C, इतना इतना 20 दिन में, और A अलोन 40 डेज में, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क बी एंड सी टुगेदर फिनिश इन अ डे, ठीक है। तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 40, ये 2 1 ठीक है, 2 और 1 आ गया। पीओसी बोला ना, ये 1 और प्लस बी प्लस सी और 2, तो भाई 1 एक आ गई, तो 1/40 हो जाएगा इसका। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 इन द एक्सपेंडिचर इतना इतना, ठीक है। इनकम ऑफ रेशियो, इनकम का जो रेशियो है ए रेशियो की का 4:5 है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 5:4, ठीक है। इफ ए सेव्स, सेविंग कितनी कर रहा है ये 6000 की, और ये कितनी कर रहा है 12, सर व्हाट इज इनकम ऑफ ए, सेविंग्स है, ठीक है। इसको खत्म करते हैं, 6 2 की वैल्यू सवाल में,
है तो 4x क्यूब निकालनी है ना, 4x की वैल्यू निकालनी है। पहले सेविंग दोनों की सेम करनी होगी ना, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 2 की वैल्यू 1200, 600 मतलब 1600 आ जाएगा, 16000। सोलह सौ तो नहीं आएगा यार, इनकम ना हो सकता है हमारे, ठीक है। 6000 सेविंग, इसको बराबर करना होगा ना, उसे क्या रही, 10 हो गया, 8, 2 हो गया, डिग्री हो जाएगा। इलेक्शन 60% ऑफ वैलिड वोट्स, 90% पूरा वैलिड वोट्स, तो एक को मिला 60%, दूसरे को मिला 40%, 90% ऑफ द वोट्स वैलिड। 100 की वैल्यू 12000, 90, तो इसको मिलेगा 50, इसको मिलेगा 40, ठीक है। 90% ऑफ द वोट्स वेर वैलिड, 90% का 60 निकालो, फिर 90 का 60% हो जाएगा 54, ठीक है, 54 हो जाएगा, इसको बाद में करते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। पी एन पी एम एंड पी एंड आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, टू टेंजेंट्स है पी एम और पी एन, एम और एन, ठीक है, ये पी पे ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट्स ऑफ सर्कल पी एम इक्वल्स टू, पीएम बोल दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 9 है, और पीएन दे रखा है हमारे पास 55, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 55, तो वाई आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका नहीं पता। द लेंथ विद इन हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड वो एल बी, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच, तो 2 × 18 × 12 प्लस 12 × 10 प्लस 18 × 10, तो ये आपका हो जाएगा 216 प्लस 120 प्लस 180, तो ये आपका 1032 आ जाएगा।
The length of the diagonals of a rhombus is 40 and 60. ठीक है, length of the diagonals of a rhombus are 40 and 60. यानी ये 20, 20, 30, 30. What is the length of the side of the rhombus? ये length find करना है. ये length. बीस हो गया है रूट तीन. सिक्सटी थर्टी हो गया मेरे ख्याल से. इसका तेरह सौ का आपको कितना आएगा? 1300 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 10 रूट 3 आ जाएगा फिर 13. तो इसका आंसर 10 रूट 13 आ जाएगा फिर. Following the data represent this mean mode and mean of the study table. Mean, median, mode. इसका mean कितना आएगा? ठीक है, आ जाएगा. ट्रायंगल MNO सिमिलर टू ट्रायंगल STU. STU पेरिमीटर इसका 80 है, इसका 200. वो एन दे रखा आपके पास 25. ये बोला है सिक्स पॉइंट टू फाइव यानी 62.. ठीक है गाइस, तो आज हम सिर्फ सेक्शन 1 देते हैं. ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं, देखते कितना नंबर आता है सेक्शन 1 में वाला.